हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल जो साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल, ज्यादा बातें ना करते हो। सबसे पहले आपको हेयर स्टाइल में करना क्या है, मेरा सेकंड चैनल है प्रीति तिवारी 2 जिसे ब्लॉग वीडियो में अपलोड करते रहती हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मेरे सेकंड चैनल पे जाइए, प्रीति तिवारी 2 चैनल का नेम है, तो वहां पे जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी डेली अपडेट डेली ब्लॉग्स देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं साड़ी के लिए बना रही हूँ, तो मैं सेंटर पार्टीशन से ही हेयर स्टाइल करूंगी। सेंटर पार्टीशन से इस तरीके से मांग निकाल लेनी है और यहाँ पे आपको क्राउन एरिया पे इस तरीके से थोड़ा सा हेयर का सेक्शन लेना है, अच्छे से कॉम कर लेना है। ओके, इस तरीके से कॉम करने के बाद हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और आगे की तरफ पुल करके हल्का सा पफ बनाएंगे, बहुत ऊंचा नहीं करना है। और इस तरीके से बैक साइड में आपको टिक टैक क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको इस साइड से इस तरीके से ट्विस्टिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा हेयर का सेक्शन लेना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपली ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्टिंग करके ये वाला पार्ट छोड़ेंगे एंड ये जो आपकी लाइन है उसके साथ में ही दूसरा लेयर उठाएंगे और इस लेयर को भी साथ में ले लेंगे और फिर अगेन ट्विस्टिंग कर देंगे और दूसरे पार्ट को छोड़ देंगे। ऐसे ही करते हुए पूरा आपको ट्विस्टिंग करनी है बालों का। दोबारा से देख लीजिए, इस तरीके से आपको लेयर को लेना है, ये वाला पार्ट छोड़ देना है। ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं ऐसे कर ले रही हूं। ओके, अब यहां से हेयर को लेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से अपर डायरेक्शन से इसको इस तरीके से कर देंगे। फिर सेकेंड लेयर लेंगे और इसके साथ इसको मिला लेंगे और फिर से इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे। इसी तरीके से पूरा ट्विस्टिंग करते जाएंगे, ऊपर की तरफ ऐसे खींच के लेना है जिससे कि आपका स्कैल्प जो है वो दिखाई ना दे। ओके, अब इन दोनों को आपस में इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे, जहां तक आपकी क्लिप तक ये चला जाए वहां तक आपको ट्विस्टिंग करनी है एंड एक बॉबी क्लिप लेना है और इसके साथ इसको सिक्योर कर देना है। ओके, अब जो फ्रंट का हेयर है उसको भी इसी तरीके से बनाना है, तो आगे से हमने इस तरीके से उठाया है एंड 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड ऊपर नीचे वाले पार्ट्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एंड अगेन दूसरा लेयर लेंगे और इसी तरीके से पूरा बनाते जाएंगे। बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा गाइस, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा, बच्चे हैं तो कितना भी चुप कराओ तो वो मानते नहीं है। इस तरीके से पूरा ट्विस्टिंग कर लेना है और दूसरे पार्ट को भी। ट्विस्ट करके पूरा बैक साइड में लेके जाएंगे जहां पे हमने पफ का क्लिप लगाया था, एग्जैक्ट वहीं पे, और मैं उसी क्लिप में इसको इंसर्ट कर दे रही हूँ। आप चाहो तो दूसरा क्लिप भी ले सकते हो। तो जैसे हमने इस साइड बनाया है सेम उसी जैसे हमने इस साइड ऐसे बनाया है, ध्यान से देख लीजिए, उसी तरीके से आपको सेम दूसरी साइड बनाना है। तो ये जो हमने लाइनिंग ली थी वो सेम होनी चाहिए। इस तरीके से बनाते जाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था।
इस तरीके से आपस में ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट करके सिंपली क्लिप के ऊपर लेके जाएंगे जैसे हमने पहले किया था, और बॉबी क्लिप ले लेंगे। बॉबी क्लिप ले लिया है और पीछे जो हमने पफ बनाया था उसके ऊपर ही इसको भी इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे। दूसरा लेयर भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा पार्ट लेंगे हेयर का और टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस तरीके से क्रॉस करते जाएंगे। इस तरीके से ओके। और इसको भी आपस में ट्विस्ट कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही खूबसूरत बन बनने वाला है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और मैं फास्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत कमेंट आता है कि मैम आप फास्ट कर देते हो तो समझ में नहीं आता है, इसलिए। तो ये देखिए इस तरीके से आपको लुक आ रहा है। अगर आपके बाल छोटे हैं, बहुत सारे छोटे बालों के लिए कमेंट आता है, तो आप इतना करके छोड़ सकते हो और अपने बालों को ओपन रख सकते हो, इससे भी काफी ज्यादा खूबसूरत लुक आएगा आपके बालों को। बट अगर आपको बन बनाना है तो आप सिंपली इस तरीके से पूरे बालों को ले लेना है एंड एक रबर बैंड लगा लेंगे। रबर बैंड को टाइटली लगा लेंगे और आप उसके बाद आपको एक डोनट बन लेना है। डोनट बन को रबर बैंड के जस्ट ऊपर रखेंगे और अच्छे से सिक्योर कर लेंगे तीन चार यूपिंस लगा के। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे सिक्योर तो कर लिया ओके। अब आपको हेयर का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेना है और ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करके इसको लूज कर लेंगे और इस तरीके से ऊपर की तरफ से लेके आएंगे और दूसरी तरफ ले जाके यू पिन से सिक्योर कर लेंगे ओके। अब फिर दूसरी साइड से लेंगे हेयर का पार्ट एंड उसको भी ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके थोड़ा थोड़ा इसको खींच लेंगे जिससे कि जो हमारा डोनट बन है, अगर आपके पतले हल्के बाल हैं तो वो अच्छे से हाइड हो जाए। एक दूसरी साइड ले जाके यूपिन डोनट बन के साथ इसको सिक्योर कर लेंगे। फिर अगेन दूसरा लेयर लेंगे। इसी तरीके से करते हुए आपको डोनट बन का पूरा पार्ट हाइड कर देना है। जहां पे आपके हेयर का एंड पार्ट आएगा वहां पे आपको यूपिन लगा देना है और इस तरीके से हेयर को पकड़ पकड़ के आपको डोनट बन को हाइड करना है। काफी खूबसूरत सा लुक आएगा आपके बन का, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। सबसे अच्छी बात की आप सेल्फ बना लोगे इसको, बस मेरा वीडियो देखिए एक से दो बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके। इस तरीके से रखना है एंड यू पिन को साथ साथ में ही लगाते जाइए ताकि जो जहां से भी आपका डोनट बन दिखाई दे रहा है वो दिखाई ना दे। इस तरीके से यूपिन से सिक्योर करते जाएंगे साथ साथ में और ये एंड में बहुत प्यारा सा बनने वाला है बन आपका। अभी एंड वाले पार्ट को एक साथ ही ट्विस्ट कर लेंगे। अब इस तरीके से वह हमने इस तरीके से ट्विस्ट करके पूरे डोनट बन को हाइड कर दिया है। ओके,
जहाँ पे भी आपका एंड पार्ट दिख रहा है या फिर कहीं पे हेयर दिख रहे हैं तो वहाँ पे अच्छे से पकड़ के उसको यू पिन से सिक्योर कर लीजिएगा, कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। और ये काफी प्यारा सा आपका बन बन के रेडी हो गया है साड़ी के लिए। सेंटर में अगर आपको लगे कि आपका थोड़ा सा हेयर कम पड़ गया है या फिर पतले हल्के बाल है तो सेंटर में आप इस तरीके से फ्लावर वाला यू पिन लगा दीजिए, जिससे कि आपका इस तरीके से यू पिन से सारा अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। और ये हमारे बन का फाइनल लुक है, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। ऐसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो। हेयर स्टाइल अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ये है हेयर स्टाइल का फाइनल लुक, जरूर ट्राई कीजिएगा वेडिंग में, पार्टी में, शादी में, लहंगे पे भी आप ये ट्राई कर सकते हो, ब्राइडल्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो जिनको लो बन बनाना है। इसके साथ आप जब ब्राइडल ज्वेलरी पहनाओगे तो काफी अच्छा लुक आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा बेबी हेयर्स की प्रॉब्लम है तो आप सेटिंग स्प्रे ले सकते हो और अपने बालों पे मार के सिंपली अपने बेबी हेयर्स को सेट कर सकते हो। बाय बाय।